लगी थी मुझे तो मैंने ले लिया। ये केन है लेकिन मेरे साथ फिर ऐसा हुआ पिछले व्लॉग में, ये बहुत अच्छी हैं और बड़ी यूनिक सी हैं पॉकेट से। हेलो एवरीवन, होपफुली आर यू डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो वेल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये इस व्लॉग में यही है कि व्हाट आई पुट इन माय बैग, ठीक है ना। तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ, तो आप लोग और लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने लगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बैग आ चुका है, अब इसके अंदर देखने के मैं क्या रखती हूँ, ठीक है ना, रखती क्या क्या चीज़ें हूँ इसके अंदर। तो बिना टेंशन के आप लोगों ने पूरी वीडियो एंड तक देखने से है। तो ये बहुत प्रीटी सा मिनी सा बैग है, ठीक है ना, इजी टू कैरी है, बहुत ज़बरदस्त लगता है, कहीं भी लेके जाना बहुत ही डिसेंट सा एलिगेंट सा लगता है बैग, ठीक है। सो इस बैग में तीन पॉकेट्स हैं। तो फर्स्टली जो मैं सबसे पहले अपने साथ कैरी करती हूँ वो है बुक। बुक इज़ मेन, टू बी ऑनेस्ट बहुत मेन है। मेन अगर मेरे बैग में कुछ नहीं होगा तो बुक बहुत ज़रूरी मेरे बैग में होएगी तो होएगी। आई थिंक सो बिना बुक के ट्रैवलिंग वाला बंदा ही फजूल है, तो बुक इज़ मेन फॉर मी। तो ये जो बैग है ना, इसको तीन ऐसे पॉकेट्स में इस तरह किया हो गया शेयर। ये पहली है इसकी, ये सेकंड वाली है, और जो मिड वाली है ना, इसके अंदर तीन ही अंदर छुपी हुई पॉकेट्स हैं, सही है। तो ये वाली तीन इस तरह की है। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसके अंदर मैं क्या रखती हूँ। सबसे मेन माई फेवरेट, मुझे लगता है आप लोगों का भी फेवरेट है, गर्मियों में समर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है यार सनब्लॉक। सब कुछ भूल जाओ, कंसीलर भूल जाओ, फेस पाउडर भूल जाओ, बेस भूल जाओ, एवरीथिंग भूल जाओ, ठीक है ना, लेकिन सनब्लॉक मेन है। और ये बहुत अच्छा मीन के सनब्लॉक है जिस भी कंपनी का, होप्स आप लोगों में से यूज़ करते हो बहुत सारे लोग। सेकेंडली मैं रखती इसके अंदर हैंड फ्री बैग के अंदर, हैंड फ्री मुझे नहीं पता मैं क्यों रखती हूँ, मुझे पता है क्यों रखती हूँ, मैं बताती हूँ ना। इसकी तो एक अंदर आगे वाली पीपी भी पता नहीं कहाँ गई हुई है। बेसिकली जब मैं ये मैं एयरपॉड्स भी यूज़ करती हूँ, तो एयरपॉड्स मैं ख़ुद लगाती हूँ क्यों, फिर जब मैं एयरपॉड्स लगाती हूँ ना, कोई ऐसे हम फैमिली गैदरिंग हो, फैमिली में बंदा जा रहा है, तो पता क्या कहते हैं, ओह तुमने तो एयरपॉड्स लगा लिए हैं, अब हम क्या लगाएं, ठीक है ना। ऐसी कोई कज़न ऐसी कोई होता है फैमिली में जो एक ऐसा कर देता है, तो मैं ये उनके लिए हैंड फ्री में कहती तुम लगाओ मेरी खैर है। सो सेकेंड चीज़ मेरी ये थी। थर्ड चीज़ ये सनग्लासेस। सनग्लासेस यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उतना ही दूर भागती हूँ सनग्लासेस, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सनग्लासेस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, पर मैं लगाती नहीं। आई फील बहुत ज़्यादा शेम शेम के, पता नहीं क्या लगा के क्या लगा, पर अच्छे लगते, पता नहीं क्यों नहीं लगाती मैं। सो मेन है बहुत ज़्यादा सनग्लासेस। सो आप लोगों ने वीडियो को ना लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और हो एक टाइम ऐसे आने देना, अभी व्यूज़ नहीं आ रहे ना, लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, तो एक टाइम आना है कमेंट लाइक व्यूज़ मिलियन तक सब्सक्राइब जाना है, पैसा और आ देना, हमने पैसे ही पैसे हो जाना है। तो यार यहाँ पे फोर्थ चीज़ मैं ये रखती हूँ, अपनी आई ग्लासेस। आई ग्लासेस बहुत मेन है मुझे, ये मैंने कहा नहीं मुझे लगाना ग्लासेस बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं बैग में ज़रूर रखती हूँ। तो फोर्थ नहीं फिफ्थ चीज़ ये है कि मैं ये क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई हूँ, टिंट। टिंट बहुत मेन है, मैं कुछ भी ना लगाऊँ ना टिंट से मेरा मेकअप हो जाएगा, बहुत ओके वाला सीन है मेरा ये वाला। आई एम अ मेकअप लवर, बट समर्स में मुझे नहीं मेकअप पसंद है, विंटर में भी नहीं पसंद है, ऑटम में भी नहीं पसंद, स्प्रिंग में भी नहीं पसंद है। मेकअप पसंद है किसी फेस्टिवल के लिए, कोई अकेजन वगैरह ना, दैट्स इट। ये हुदा ब्यूटी की मैट लिपस्टिक का बहुत अमेजिंग शेड है, ठीक है ना। तो मीन अगर टिंट को कर दिया जाए ना, स्नैप आउट कर दिया जाए, सो मेरे पास जो सेकंड चीज़ आएगी वो ये हुदा ब्यूटी की शेड आएगी, बहुत ज़बरदस्त है, इसके मेरा पूरा मेकअप हो जाएगा। मीन आई शेड्स भी लगा लूँगी, ब्लशन भी लगा लूँगी, नोज पे टिंट वाला सीन भी ओके कर लूँगी, और लिपस्टिक भी मैं इसी से लगवा लूँगी, ठीक है। ये वाली जो लिपस्टिक है ना, ये मेरी मम्मा की है, ठीक है ना, यहाँ पर मुझे लगाना चाहिए स्टोरी टाइम। बेसिकली सबकी मदर्स का ये सीन होता था कि मीन जब उनकी तो शादी होगी, उनकी ख़ानदानी लिपस्टिक उनके साथ आ जाती, पर वो बच्चों तक भी कन्वर्ट होती है। मीन अभी तक ना हमारी मम्मा की लिपस्टिक पड़ी हुई है, वो जो लगाती हूँ मैं, लेकिन अब तो नहीं दिल करता क्योंकि वो बहुत स्पार्कल्स वाली है, अब तो शर्म आती है यार क्या लगा रही है। तो ये सीन है। तो लेकिन ये वाली लिपस्टिक भी मेरी मम्मा की ऐसे, ये इतना इसके अंदर मैस क्रिएट है जैसे मेरी मम्मा चॉकलेट की तरह इनको खाती है, लेकिन इससे भी मैं सारा मेकअप ओके कर सकती हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त शेड है। ये तीन चीज़ें हैं जो मैं तीनों रखती हूँ, कर में एक से भी लेती हूँ, लेकिन ये तीनों रखती हूँ, चेक करो लेवल, ये चीज़ करती हूँ, बट कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं है, सब कुछ ओके है। तो ये तीनों चीज़ें ही मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बस आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, फारग बैठे हो, मुझे पता अभी तक किसी ने भी नहीं सब्सक्राइब किया चैनल के, कर दो यार क्या जाना है आप लोगों का, सब्सक्राइब करो ना, मेरे गला पे अड़ी।
ओके सो अब जितनी भी चीज़ आ रही फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ एट्थ आ रही आई थिंक सो ये परफ्यूम इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम मैं कहती हूँ मेन है गर्मियों में स्पेशली, समर्स में मैं कहती हूँ परफ्यूम बहुत मेन है। ये टाइप है इतर या इतर के टाइप इतर परफ्यूम मिक्स, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। मैंने ये आप लोग स्क्रीन शॉट लेके भी इसको दोबारा देख सकते हैं, आप परचेज बहुत ईजिली कर सकते हो और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। और फिर मैंने इसके नेल पेंट है मिनी ब्लैक कलर की वो रखा है और ये क्लिप रखा है, क्लिप मेरा बहुत फेवरेट है। इसके ऊपर से स्टोन भी ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी मैंने ये रखा हुआ है। ये दो रिंग्स है, रिंग्स इसलिए मैंने रखी हुई हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है बट मैंने इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि मैं जब किसी को पहनते देख रही हूँ मुझे लगता है मैं खाली खाली आई तो मैं फ़ौरन पहन लेती हूँ, ये सीन है। और ये जो सब बॉक्स था ये मेरा था एयरिंग्स वाला, ठीक है ना, एयरिंग्स बहुत मेन है। डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार बैग में, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये वाली मेरी फेवरेट डायरी मिनी सी है बैग में, जी अगर मैं बैग में बड़ी डायरी रखूँगी ना तो फिर नॉवल नहीं आ सकेगा, तो नॉवल मेन है, डायरी भी मैंने छोटी रख लो। अब डायरी आ रही है तो इसलिए बात है पेन तो आएगा, पेन पेंसिल जो भी है, तो ये मैं साथ पेंसिल भी ज़रूर रखती हूँ। और ये कैचर है बहुत पुराना, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना, रखा नहीं है रख लेती हूँ जाते हुए। और दैट इज़ माई मिनी पर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या, इसके अंदर मेरे बस जो खेलने जाती है उसका कार्ड्स वगैरह, मीन पार्क वगैरह में जाते हैं ना झूले झूले लेने, वो उसके भी कार्ड मैंने घुसाए हुए हैं। सीजर बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है किसी ने मुझे मार देना, मेरा पर्स खींच लेना, मुझे वो कर लेना, बहुत रिएक्टर हूँ ना मैं, तो सीजर मैं पास रखती हूँ कि एक दफ़ा मैं जिभो ही दूँगी। तो ये चीज़ है पेनाडोल, ये पेनाडोल मैंने मेडिसिन रखी हुई, मैं मेडिसिन खाती नहीं हूँ लेकिन रखी हुई है कि मेडिसिन एक चीज़ आप रिमेंबर रख लो, मेडिसिन कभी किसी से लेके ना खाए, अपनी है तो खा लो वरना ऐसे ही घर वापस आ जाओ, मुश्किल झेल लो लेकिन किसी की मेडिसिन ना खाओ। और अपने पास तो फिर ज़रूर रखें आप लोग, मैं मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ लेकिन फिर भी रखा हुआ, किसी को ज़रूर पड़ सकती है, किसी को तो मेरे पर विश्वास होगा जो मेरी हाथ की मेडिसिन खाएगी, या फिर मुझे से, मैं ख़ुद भी तो कभी तो अप्स एंड डाउन हो जाता है ना, तो मेडिसिन कभी किसी के नहीं लेके जाए, अपने बैग में ज़रूर मेडिसिन रखें। ये सब चीज़ें ना बहुत इसेंशियल थी कि ना आप इसमें से मर्जी आप लोग जैसे सनग्लासेस रीड ऑफ करने चाहिए, लेकिन समर्स में एज़ यू नो कि अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं तो ओबियसली बात है ये तो होने चाहिए ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बहुत छोटा सा मीन की ये चीज़ें थी और बहुत छोटा सा मीनिंग सब डॉग, तो होप्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई मसला नहीं, फिर भी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें। तो इसके अंदर मैंने जिस ना इसके अंदर मैंने थोड़े से, यहाँ मेरी बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो चुकी थी, पैसे थोड़े से रख दिए 10-10 के नोट, ये मैंने प्ले लैंड का रखा हुआ है जो भी है, और इसके अंदर थोड़ी सी चिट्ठियाँ घुसाई हुई हैं सही है ना, बस दैट्स इट। इसके अंदर और भी जब ज़रूरत पड़ती है मैं सब कुछ रख देती हूँ, सही है। अब हम ये तो नहीं कहने लगे आईडी कार्ड एज पता चल जाएगी ना। सो दैट इज़ माई व्लॉग ऑल व्लॉग, कहीं कहीं इंग्लिश मेरी स्किप हो जाती है, कहीं कहीं पता नहीं ऐसे निकल जाती है इंग्लिश, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। होप्स आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो बस जो कह दिए, मैं चौथी बार कहने लगी हूँ, बार बार अच्छा तो नहीं लगता ना कहते हुए। यहाँ पे मोबाइल की बैटरी फिर ख़त्म हो चुकी थी, फिर मेरी ना एंड हो चुकी थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, मैं 1% ऐसे चार्ज करके ना दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो देखेगा वो समझेगा, जो नहीं समझेगा वो देखेगा क्या। सो दैट इज़ माई व्लॉग, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। सो टाटा बाय बाय फिनिश, मेरी आज तबीयत भी डाउन थी फिर भी मैंने व्लॉग डन किया, सो होप्स आप लोग को अच्छा लगेगा। बाय बाय फिनिश।